यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत खुदा उनके घर पे In the holy name of Jesus we welcome you all to the house of the Lord. अगर आप पहली बार हैं तो आपका खास स्वागत करते हैं प्रभु के घर में. If you're here for the first time we welcome you specially to the house of the Lord. अगर पहली बार हैं तो अपना हाथ खड़ा करके दर्शाएं जवाब. And if you are here for the first time we ask that you raise your hand so we can welcome you. We welcome you in the house of the Lord. God bless you. खुदा आपको बहुत बरकत दे. प्रभु आपको बहुत बरकत दे. God bless you. Amen. Praise the Lord. Amen.

All the dear ones who have their Bibles with, with you, please utilize them. And if you don't have it, the verses are going to be up on the projector. Amen. Glory be to <coughs> God. <chugara. coughs> <Chale, coughs> when I take out your Bible, when I ask you, then you're going to read it for me. All right. इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखा है इट्स रिटन लाइक दिस इन इंग्लिश माय सन मेरा बेटा अटेंड टू माय वर्ड्स मेरी इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान दे ठीक है इतना हिस्सा पढ़ना है वो जस्ट गोना रीड दैट स्मॉल पार्ट हाँ जी हे hey, मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो हाँ जी एक हिस्सा है पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे बाप बच्चों से बातचीत करते है So this is the part of the Bible where the father is conversing with his child. You see, Father's Day is about to arrive. So as a father, the the father is addressing the church or the people of his church. एक रिश्ता जो है यहाँ पर जाहिर किया गया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो है अनुचल ऐसी जहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता ऐसा बताए की परमेश्वर एक बाप के समान एक पिता के समान जो है अपने बच्चों से बातचीत करते तो हैं कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कुछ खास जो है मार्गदर्शन दिया गया So there's specific instructions given here. पहला हिस्सा इस जो हवाले का कहता है says, मेरे बच्चों माई चिल्ड्रेन pay attention. ठीक है पहला हिस्सा क्या है तवज्जा दीजिएगा पे अटेंशन कीजिएगा द फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट यू मस्ट पे अटेंशन ठीक है ध्यान दीजिएगा यू नीड टू गिव योर फोकस टू दैट पार्ट मेरी जो शिक्षाएं हैं मेरी हिदायतें हैं मेरे जो बातचीत के जो लफ्ज हैं जो मेरे शब्द हैं

Sometimes we listen, but we're not actually listening. Because along with it, we're also doing so something. So our attention is divided, we're not focused. So God is saying in this part that children, the church, pay attention. Let it not be that you're hearing but you're not listening. That so you're not focusing on it. That so you can hear it but you're not paying attention to it. That so you're not taking it seriously. कभी कभार ऐसा हो जाता है समटाइम्स दिस हैपेंस कुछ बातें कही जाती हैं वी से सम थिंग्स तो हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे कही है एंड वी थिंक दैट इट्स सेड लाइक दिस तो प्रभु कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है बट गॉड इज सेइंग इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस जो विश्वास है प्रभु के जो वचन को सुनने से आता है Your faith grows by listening to the when Word of God. When we listen with attention, then the blessings are different and special. And we're going to focus on this verse today. And today we're going to just focus on this. Before we move forward, I want you to read another verse. कुछ की किताब पंद्रह अध्याय निकाले और छब्बीस सात पढ़ के वापस आएंगे जरा Exodus? Yes. Exodus chapter 15, verse 26, and ठीके? then we're gonna come back here. There's a promise to, you know, there's a, a promise to pay attention. See, God is saying something here. Anyone can read it first if you found it. तन मन से सुने हाँ जी यदि परमेश्वर की वाणी को परमेश्वर के वचनों को तन मन से तवज्जा देकर ध्यान देकर सुने कहने का माना है कि अगर पूरी मेहनत प्रयत्न कोशिश करके ध्यान देकर सुने तो इन अदर वर्ड ऑल यूर एफर्ट एंड उसकी बरकत है उसकी एक आशीष है

मिस्रियों पर भेजे हैं hmm. उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा तो प्रभु क्या कह रहे हैं वचन सुनने से वचन पर ध्यान करने से वचन को अमल पर लाने से बीमारियों को दूर रखूंगा आपसे मैं। मैं देखिए कई बार हम करवाते हैं। you know, many times we get prayed for. कहता वो नौबती ना आए।

तो वो हमारी जिंदगी में बिना चाहे बिना हमारे कुछ भी करने के वो अपने आप आ जाते हैं। anything, प्रभु का वायदा है इट्स ये सिंपल काम है ये वचन एक मेडिसिन है उसकी सिंपल मेडिसिन प्रभु ने कह दिया है कि ये जो वचन है आप

है ये so आगे वापस जाते हैं उस बात पर जो कुछ so गो गो पहले वाला पढ़ रहे Proverbs, थे before, चौथा चैप्टर चैप्टर की ओर जरा प्रोवर्ब्स कहती है बच्चों मेरे बेटों मेरे बेटियों ध्यान दो मेरे वचनों पर ठीक है आगे पढ़ें क्या है बीसवीं याद का हिस्सा हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन हाथ ध्यान नाल सुन ठीक pay, है पे पे माय सन आगे और अपना कान मेरी बातों पर लगा आगे का हिस्सा जो है For, जो ओरिजिनल लैंग्वेज में इस तरह से कहता है फर्दर ऑन द ओरिजिनल लैंग्वेज इट सेज लाइक दिस पे ऐसे लिखे जैसे कान बेंड करके फिर सुन It says to bend your ears and listen. The original language. When it's written in the original language, when you read it in the Hebrew language, it is presented like this. That don't just listen like this.

What is the Lord saying? It's a special topic Niji here. It's a really important topic. Ko aise bend karke, laga ke sun hai. You must listen to the word by bending your ears. Hai, ye ek khas mudra, ek, ek gaya hai. This is a very important topic here. Ke aapne aisa ho ke jo hai isko kiya it cannot be that you don't pay attention yeh to it. It's really powerful. So main bata and this is not a story that Message I'm sharing.

I believe it's in the book of Hebrews. Chapter चैप्टर verse twelve में पढ़ते हैं जी। इब्रानिया का खत चैप्टर फोर एंड वर्स ट्वेल्व चार की बारह आपके पास बाइबल है इसको पढ़ लेना है अंडरलाइन कर लेना है हाईलाइट कर लेना है चाहे आप ऑनलाइन सुन रहे हैं फिर भी आपके लिए सेम इंस्ट्रक्शन चैप्टर फोर वर्स ट्वेल्व ये आपकी मदद करेगा एंड दिस विल हेल्प यू

What lives by just bread? आपका शरीर Your body. आपकी रूह को कुछ और चाहिए Your spirit needs something else. आपके जहन को कुछ और चाहिए Your mind needs something आपके जहन और आपकी रूह को जिंदा रखना है तो उसको कुछ और चीजें चाहिए इसलिए ये कहते हैं, इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा से बना है खास बात

For your mind, you need information. Education. चाहिए. You need education. It needs knowledge. It needs a lot of things. It needs to listen and, and gather knowledge. If you don't do the right information, your information. चाहिए. But your mind needs information. So you'll start calling here and there. You'll call your relatives and ask them. What happened there? Did you go to the party? What did you eat there? What did you wear there? Where did you go? They just want that information in their mind. If you don't give them the right information. They'll gather from somewhere else.

और वो वचन जब तक उसे नहीं मिलता है it, it, तो आपकी रूह कमजोर हो जाएगी weakened, और जब उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा it, खत्म हो जाएगी रूह को जिंदा रखना you है तो प्रभु का वचन चाहिए आपको पाकलाम चाहिए प्रभु के शब्द चाहिए नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी रूह वीक होगी कमजोर होगी और बदरू ताकतवर

कैसे सामना करते शरीर से नहीं होता नापाइए बारी है ना कई अंदर लोवा जा करो ये नागपाओ फा टमकाना सं

तो मैं फिर आधी रात को कपड़े उपड़े पहन के चेंज करके अपनी बाइबल उठा के भाग लेता हूँ तो मैं जैसे जाता हूँ तो वो पलंग पर बेटी है जो है लेटी हुई थी दैट डॉटर वाज लेइंग इन हर बेड मैं प्रार्थना करने वाला था एंड आई वाज गोना प्रे तो वो मंजी दे नाल एक चिमटा बने आया से एंड ऑन द बेड देयर वाज अ एदा एदा ट्रांसलेशन नहीं हिंदी में नहीं पता अ टांग समझ रहे So on the bedside they had like a tongue wrapped around there. So I asked the family and I asked them why did you do this? Oh they say by you know tying up some type of metal evil spirits will flee from there. I said you should have put much more metal then. It was, you should put a bigger piece of metal that's how the evil spirits run then does um, evil spirits depart by stealing metal? and even today people are being confused by all the babas you should keep this type of metal with you you should, you should keep like a lemon or a green pepper with you I say you should make some lemonade and drink some juice. And you should wear a certain gem or you know a certain stone with you. And you should have something around your neck. By these certain materials, evil spirits don't flee. They fly by the revelation of God Himself. Amen. Amen. प्रभु की ताकत से दौड़ती हैं ये चीजें। आपने कुछ भी ना पहना हो और on. अगर आपके अंदर प्रभु यीशु है उसका वचन you, है उसका मकाशवा है तो light, ये चीजें आप पर हावी नहीं हो तो सकती वचन से भरे अपने आप आपने कहीं पर कुछ ना रखा हो सिर्फ यीशु का वचन रखें प्रभु God, की वाणी रखें अपने पास तो देखना ये कैसे चीजें हैं। प्रभु इसलिए कहे हैं मेरे बच्चों

हाँ जी तानु कोई तलवार रखने की लोड नहीं है। So you don't have to keep any sword with you। ओ प्रभु दे लोकानु कोई हथियार कोई तलवार रखने की जरूरत है। People of God don't have to carry any swords with them। उनको क्या रखने की जरूरत है? What do they need to keep? प्रभु का वचन शब्द प्रभु का काफी है। The word of God is Hallelujah. enough। Hallelujah। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੋਂ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗਣ ਕੋ ਵਚਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਜਰਾ ਕੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਬੰਦ ਬੰਨ ਹਾਂ 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 ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਲਿਖ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟਸ ਰੈਨ ਇਟ ਪੈਨੇਟਰੇਟਸ ਥਰੂ ਸੋਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਇਸ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਐਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜੇ ਥੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੈਟਸ ਮੇਡ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਯਰ ਸਪਿਰਿਟ অর ਯਰ ਸੋਲ ਠੀਕੇ ਇਹ ਸਿਰ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਥੇਅਰ ਗੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਸੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਥਰੂ ਦ ਸੋਲ অর ਰੂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਇੰਟੂ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਅਗਿ ਫੇਰ ਅਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਮੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਇੰਟੂ ਯਰ ਜੋਇੰਟਸ ਐਂਡ ਯਰ ਮੈਰੋ ਐਂਡ ਦਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਥੇ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਯਰ ਲੇਜ਼ਰਸ ਕੈਨ ਨੀਵਨ ਰੀਚ ਇਟ ਗੋਜ਼ If you want to make your body free of all addictions, and when you want to free your body from curses,

The way te. they eat is changed. The jata. way they speak is changed. Hai, Places that they go. Their, their ways Saisne change. Their decisions change. Their circumstances. All their circumstances change. change. And their life is changed. By what? Alleluia. By the word of God. Hallelujah. That, that's why the Lord is saying you must pay attention. This is really powerful that's why it's become available the word of god is not something that you close up and hide if the doctor gives you a medication and you pack it up and put it by your bedside and every morning you wake up and look at it and sometimes pick it up and you give it a kiss तो मेडिसिन का तो कोई फायदा

Kissed the label, I worshiped and praised it. Then what is he gonna say to you? You know you should take it take it. You're supposed to take it three times. Take it the way it was prescribed. Then you'll get the benefits. If you kiss your Bible, you know God bless you. इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक के अंदर नहीं ले आप तकिए के नीचे रखते हैं। you may put it under your pillow. के पास रखते हैं। इसका pillow. कोई फायदा नहीं होना There's no benefits to it. बस पिल्लो जाना। the pillow might get a little fluffier but, but nothing else is going to happen if you read it memorize it and keep it in your practice heart and practice it then it's going to make you stronger it goes into your bones it goes into your muscles and tissues you will become drug free addictions will leave you the curses will depart from you the curses will leave you your family will be, be joined

the one who listens and hears. It says it's a two-edged sword. Jo sunta, jo sunata, jo karta, de karda hai. Those who listen and those who are speaking but it, it, works in both directions. Amen. Amen. It, it works for both. Are going to read further? ideology,

दो भी प्रभु बड़ा मन बदल हार्ट आपका दिल बदलता है आपके विचार बदलते हैं आपके ख्याल बदलते चेंज इज यंग आप क्रेशन ना बनेम खुद आप अच्छे, अच्छे बने But you become good. Hallelujah. Hallelujah. Aapka mazab, let your religion not change. Let your heart change. Let your circumstances Aapka change. Let your financial badale. situations change. Aapka. Let the Lord change your life. Hallelujah. Hallelujah. That's why people are afraid of it sometimes, they don't let you read it.

And you're thinking. You know when you're going to buy something. When you're going to buy a pretty car. Before you buy it. In your, in your mind. It should be this color. It should look like this. I'm going to drive it like this. I'm going go like to go like this. It should be this color. It should have these features. तो आपको आपके आपके पसंद की मिलती नहीं है like, आप दूसरे डीलर के पास जा। क्योंकि आपने उसको ले खरीदने से पहले आपके मन में उसकी तस्वीर बन चुकी है आपके आसपास से आपके कल्पनों में आपकी सोचों में वो है it's in, it's you आपको thinking. मिली नहीं अभी पर आपको, कैरी कर रहे हैं उसको ये फिरते आप उसको साथ लेके जा रहे हैं around, you, आपको जो दिला रहा है जो वहाँ पर जो डीलर है so आप कल्पनों में कुछ और लेके चल रहे बिकॉज इन योर माइंड यू है आपने उसकी एक तस्वीर बना ली लीक सोचो में है आपके ख्यालों में जो कुछ आप बहुत पसंद करते हैं वो आपकी आंखों के सामने

मैं पेन फ्री हो गया मुझे आशीष मिल गई है मुझे बरकत मिल गई है वो आपकी आंखों के सामने हो मिली you. हो या ना मिली हो पर आपने कल्पनाओं में तस्वीर But बना लेनी जब आप देखने शुरू कर देंगे विश्वास ही आंखों से देखना शुरू कर देंगे फिर वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा हालेलुया

Go outside and go and look at the sky. Look at the stars and begin to imagine. You read that? It's in your Bible too. He says, he says Start to imagine. Start to see with the hearts with your eyes. And he says, Start to count, he to count the stars. And he begins to count the stars. You should try it. Try counting the stars. आप कंफ्यूज हो जाएंगे यू विल गेट कंफ्यूज आपको लगता है ये वाला तो मैंने पहले काउंट कर लिया था यू विल थिंक आई ऑलरेडी काउंटेड दिस वन फिर one, आप काउंट करेंगे एंड देन यू आर काउंटिंग अगेन प्रभु उसकी हेल्प कर रहे हैं द लॉर्ड इज हेल्पिंग हिम कल्पना पैदा करने He's के लिए मन में तस्वीर बनाने He's के लिए ही इज मेकिंग अ पिक्चर इन हिज माइंड अब्राहम तारों को काउंट कर Abraham count the stars. न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं सबसे स्मार्ट बंदा अगर कितना भी कोशिश करे पांच हजार से ज्यादा ने तो so to इतना हो गया। प्रभु so प्रभु confused, जितने तारे हैं मैं ऐसे तेरी औलाद कर दूंगा एक भी बच्चा नहीं है तस्वीर पैदा करने Amen. आपकी बरकत आई है या your नहीं आई है। आपकी आशीष आई या नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं। आपको मिली या नहीं मिली आपके हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे आपका बच्चा घर पे आया या नहीं आया आपकी फैमिली में सुधार आया नहीं आया और आप अपने कल्पनों में देखना शुरू कर देना सोचों में देखना शुरू कर देना कि सब ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है बच्चे ठीक हो रहे हैं My are जो खोए हैं वापस आ रहे हैं वापस आ रहे, रहे हैं, आशीषें जो खो गई थी lost, वो चलती हुई वापस आ रही है आपकी कल्पनों ने आपने देखना शुरू कर देना है प्रभु कहता जब आप ऐसा करोगे says, this, तो वो आपका हिस्सा हो जाएगा। इब्राहम के लिए हो गया है हम के लिए भी हो सकता विश्वास कहना विश्वास बोलना विश्वास ऐलान करना विश्वास ईमान की आंखों से

तो वो आपका हिस्सा हो जाए आपने सोचो में ये कहना है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए मेरी बरकत आ जाए मेरी आशीष आ जाए मेरी चंगाई come, आ जाए, चंगाई come, आ जाए। मैं ठीक हो रहा हूँ आपकी पेन गई या नहीं पर आपने उस पेन को बोल देना मैंने अपनी मन की आंखों से विश्वास की आंखों से मैंने उसे देख लिया है वो चले गई है मैं ठीक हो गया हूँ मेरा परिवार ठीक हो गया है ये के नाम में तालियों के साथ यह सुक नाम को जलाल दे ज्यादा खुदावन करने की कुदरत ताकत रखता है मन की आंखों से विश्वास की आंखों से आपने चलना शुरू करना है और वो हो जाएगा ऐसा होना शुरू हो जाएगा एक दिन आप हाथों से छू पाएंगे उसे जो आपके लिए सोचा गया है प्रभु कहता है जो कल्पनाएं मैंने आपके लिए करी हुई है वो, वो हानि की नहीं बल्कि आशीष की है बरकत की है अच्छा भविष्य देने की है गुड फ्यूचर प्रभु ने आपके लिए अच्छी कल्पना करी well अगर you, हमारी कल्पना ठीक नहीं है तो कल्पना को फिक्स करना यू मस्ट फिक्स मन की आंखों से फिक्स करना आप सफल हो रहे हैं कामयाब हो रहे हैं युवा पा रहे हैं मन की विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें बीपीसी ब्लस चर्च होना चाहिए बीपीसी रूहानी तरफ ऐसी ब्लस हो रूहानी हम और हमारे बच्चे ठीक हो हमारे आसपास ड्रग्स दूर चले जाए तो सुधर जाए आप कामयाब होना शुरू आप विश्वास की आंखों से देखना अपने मुँह से बोलना करना सीख जाए के नाम से आगे पढ़े प्रभु का हदायत है हमारे लिए. Further, क्या प्रभु कह रहे हैं हाँ जी वर्ण अपने मन में धारण कर हाँ आगे क्योंकि उसको अपने हार्ट में जमा कर लें उसको धारण कर लिखा हुआ ठीक गॉड जरूरी है कि सारा कुछ दिल में जमा करके रखना है इट इम्पोर्टेंट यू स्टोर एवरीथिंग इन योर हार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसको जो है सारा कुछ कल्पना को सोचो को विचारों को वचन को कितने जमा करके रखना यस yes, अपना बैंक बैलेंस भी रखो यस कीप योर बैंक बैलेंस पर वाला सबसे बड़ा बैलेंस है बट दिस इज योर बिगेस्ट बैलेंस के आप प्रभु के वचन को अपने हार्ट में रखें मिरेकल को अपने हार्ट में रखें you अपने गवाही हार्ट। को अपने दिल में रखें you अपने अपने हार्ट।, शिफा को अपने हार्ट में आप रखेंगे आपके लिए हिस्सा बन जाएगा हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है

in which we were, we were learning about the mind and the heart of what is the role of the mind heart and the heart important hai aapka. and your heart is extremely important You should, you should go, go and, and ask a doctor if you don't know important he it's the most important part. Weak you can't let it get weak. इसकी, इसकी you have to keep the beat at a certain level. You have to keep it strong. Proper oxygen you have to give it proper oxygen. And है. your heart is the most important part. Time to time check and रो. you must get a checkup from time to time. दे दे I'm talking about the heart within the heart. ख्याल जो, heart. आपके Which is your जो आपकी सोच है ये दिल सबसे इम्पोर्टेंट है दिस हॉर्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको बोले प्रभु का वचन से भरके रखना है इसमें क्या लिखा पड़े जाए इम्पोर्टेंट है, है? जिनके जिनको वे प्राप्त होती हैं हाँ जी लिखा है वचन जो जो शब्द वाणी की बातें जिनको मिल जिन्होंने अपने हार्ट में जमा करके रख ली सुनो ध्यान से है ना वे उनके जीवित रहने, 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 रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है शरीर किया रखी कितने रखी it ही शरीर होना शुरू हो गया जिन्होंने प्रभु के वाणी को शब्द को कलाम को दिल में रखा है heart, तो उनके शरीर में चंगाई का काम होना शुरू हो गया बिखेम रीजन ऑफ ही

चंगाई पूरे शरीर के लिए क्या है वचन What, the word? पाकलाम उनके शरीर के लिए लिखा होल बॉडी के लिए क्या है चंगाई है ब्रदर होल बॉडी इट इज अ हीलिंग ठीक है मैं कुछ ना तुसी लो बस सिर्फ वचन ले जो दिन रात whether you do nothing else but take that word of god then खराका Take it three times a day. Once in the morning, once in the afternoon, and once in the evening. And then again in the morning, then in the afternoon. Take this dose three times. And then drink water two times. And then take a nice deep breath. The Lord says, with this you will be healed. Amen. Amen.

अपने दिल में जमा करके you रखा stored है, it in your heart. तो दिल की चौकसी से रक्षा कर हिफाजत कर साम कर देट्स वाई यू मस्ट गॉडेड एंडक्टेड क्योंकि जिंदगी के फैसले इससे निकलते हैं बिकॉज यू मेक यूर डिसीजन थ्रू दिस दिल इम्पोर्टेंट है Your heart is important. Everything is stored within it. You supply everything from it. Everything is gathered. What the eyes have seen. What the ears have heard. What came into your mind What your thoughts have stored. Thought. Everything is stored in the treasures of your heart.

दिल सप्लाई करता फिर योर हर्ट सप्लाई सब जगह सप्लाई करता है बहुत जरूरी है। really सोचों को वचन से भर देना। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए Then you don't need anything फिर else. आपको कुछ भी और नहीं चाहिए. Then you don't need anything आपको भटकने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की नहीं काम करेगा बड़ा बैलेंस जमा करके रखा है उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल में वचन का भंडार भरा हुआ है प्रभु यीशु कहते हैं जो says, मन के भंडार में भरा हुआ है आपके मुंह से बाहर

Whatever he speaks, it's just negative. Oh, it's completely useless. God, I don't even want to speak to him. Where is he speaking from? He's speaking from his heart. It's not a problem of the mouth, it's a problem of the heart. Once your heart is Fixed, your mouth will be fixed. If you have peace, comfort, and joy in your heart, then you'll find it on your face. As well. You must fill your heart with the word of God. Amen.

from within you the word will begin amen. to work amen then you don't have to do anything every day is a testimony a testimony then you won't even need a testimony because you're not going to get sick because you'll always be well don't even wait let your testimony be this I was good yesterday, I'm good today, I was good last year, I'm good right now too, I know I'll be fine tomorrow amen. as well, amen, hallelujah, hallelujah, don't wait to get <laughs> sick, you're going to get sick in vain first, <laughs> then you're going to get better, <laughs> then, <gonna> get better. <laughs> then you give a testimony, <laughs> what is this, <laughs> Don't let it happen. Inna par Fill yourself with such Ke a word of God rehnem. that you're gonna stay well. Mo'ti, jo hai, and if a small thing comes here and there, a aap si. you know, rebuke it yourself. Hai, aap hi hai si. You know, proclaim the word yourself. -tian, -tian, -fix kar These small pains, to. fix it yourself at home. Bakhaar, -de small kero. fever here and there. जबरदस्तो जी मैं फोन कर I'm calling you. you know there's like a little animal in my house no. grab a stick and kick it out of your house these small spirits you can rebuke them yourself if there's a the big dinosaur then you can call me we don't have those Jesus already was victorious over them ਕਲਵਰੀ ਕ੍ਰੂਸ ਤੇ ਖੁਦਾਵ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਤੋ ਫੀਮ ਮੁਰਤियां ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਇਹ ਚਿੰਨ ਹੋਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਦਰੂਆਂ ਕੋ बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होलिशिया के लिए है। Amen. Amen. को ऐलान करेंगे, जोर और जोश के साथ zeal, करेंगे खुदावन के नाम को जलाल देंगे. खुदावन ने शुक्र उस खुदावन का हमें ये पाकलाम बख्शा ये पूरी कलिसिया के लिए

नाता तो ने नहीं शावर लिया आप वचन को बोल सकते यू कैन स्पीक दर्ड ऐल कर सकते हमारे बाप का वचन है माई डे प्रबू का वचन है माई गाज आप चाहे कहीं चाहे बोल सकते हैं मेरा नाम लेकर तुम मांगोगे तो मैं करूंगा प्रभु एस्ट ने इत्यार दिया है सच्चा है आज भी है और परसों भी होगा हो हमेशा के लिए होगा ये आपकी हड्डियों के लिए ताकत है दिस इज स्ट्रेंथ फॉर योर ऐलान करेंगे हम चंगाई का ऐलान करेंगे का का करेंगे, करेंगे। फ्रीडम आपको मेरे हाथ रखने की भी जरूरत नहीं है आपके पास है। आपने वचन सुना है यू अपने मन में आना है पैक करके लेके जाना। पूरा वीक गॉड करना अपने हार्ट को। कोई भी शतान चुराए ना वचन और इसमें अंदर पंचर नहीं हो And let there be no punctures in it. इसको ध्यान रखना फल लेके आए दो धारी तलवार ऐसी भी ताकतवर है अपना पूरा काम करें आंखों को बंद करें। we're close our eyes करेंगे पूरी यकीन के साथ बड़े ईमान के साथ आप अपनी प्रार्थना को ऐलान करना आप चंगाई का वेट कर रहे हैं आपने चंगाई का ऐलान करना है आप छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं का ऐलान करना है। you're wait, you're आप किसी भी मुसीबत में है If, तो problem, आपने ऐलान करना है कि प्रभु जी आज के दिन today, मैं अपनी मुसीबत को मैं अपनी परेशानी को worries, मैं अपनी जो है इस बीमारी को शराब को curse, इस रुकावट को obstacle, के नाम से हुक्म देता हूँ जिंदगी से घर ऐसी मेरे घर आने से माई मेरे बिजनेस ऐसी मेरे, मेरे खानदान ऐसी छोड़ के जाए leave. इसका कोई काम नहीं है आजाद no होना चाहता हूँ बरकत पाना चाहता हूँ चंगा blessing. होना चाहता well. हूँ ये नाम में मेरा बच्चन मेरे दिल में आए वर्ल्ड कप में मेरे ख्यालों में आए मेरी सोचो में आए मेरे हड्डी हड्डी केरे जरे के अंदर आए हर एक हिस्से में आ जाए मैं अपने दिल के तरह दरवाजों को खोलता हूँ प्रभु यीशु जी मेरे दिल में आ, सोचो में आ, आप कब्जा कर ले आप पूरा कंट्रोल कर हर के जाए नशा छोड़ के जाए निराशा पीड़ा दर्द छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में यीशु के पवित्र नाम में यीशु के जोरावर नाम में मैं फ्री होता हूँ मैं आजाद होता हूँ मैं चंगा होता हूँ मैं I am in Jesus' name. I said, In se. Jesus' name. In the, name Jesus. in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Be free this afternoon. Azad ho aj, aj

आप अपने दान विश्वास को भी अपने हाथों में Amen. Amen. आइए खुशी के साथ अपने दान दुश्वास को खुदा उनके चरणों में स्पूर्द करेंगे joy, आप इन पर्सन खुदा उनके घर पे दे रहे हैं आप ऑनलाइन वाच करते हुए दे or रहे हैं आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू से दे सकते हैं सोशल मीडिया बी पी सी एन वाई डॉट जो वेबसाइट उसके थ्रू दे सकते हैं किसी भी माध्यम से आप देते हैं देने से पहले आपने दान पर जो है प्रार्थना दुआ करना है आपका जो दान है है आपका खून पसीने की कमाई है आपकी मेहनत है work, और आप इसको खुदाने के खत्ते में जब बोते हैं, आप Lord, फसल को को पाएं, नुकसान आपसे दूर है नाशक आपसे दूर है हर तरह की बुराई आपसे दूर रहे प्रभु कहते हैं सारे दान दुश्म मेरे घर पे लेके आओ। तो देखना मैं नाशक को तुमसे दूर रखूंगा और आसमान के झरोकों को आपके लिए खोल दूंगा आप वर्क तो कोई इकट्ठा भी ना कर पाएंगे इतनी आशीष आपके लिए मैं कर दूंगा दुआ करेंगे प्रभु जी इस दान दवाश को तेरे चरणों में हम स्पूर्द करते हैं आपने दिया है इसमें से ये शुक्राने की भेंट This is our खुशी के साथ with joy, आदर के साथ with respect, बड़ी इज्जत के साथ honor, तेरे चरणों में लाते हैं आप इसे ले, you take it, अपनी बादशाहत के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें हमारी kingdom, सारी जरूरतें यीशु के नाम से पूरी होने Watch सबको मैंने एक दो वीक पहले अनाउंसमेंट के दौरान बताया था a couple of weeks ago i told you in an announcement uh, uh, that we're going to presume the baptism ceremony probably next week and next week probably i'll give you the announcement of the date you're one of those that are wanting to get a baptism

There's only one criteria for being baptized. मन फिरा के तोबा करके पश्चाताप करके प्रभु यशु को नजात दहिंदा प्रभु करके कबूल किया यू है And um, accepted the Lord as your Savior. That's the only criteria that you have. How much you know of the Bible, how much you must learn of it, how much you of know of the church, whether you're new or old here, that is not the criteria. The simple criteria is this.

Because the baptism is an admission. This is not a graduation. Some people think that it's a graduation. That you know, I don't know of the Bible yet. I haven't learned yet. I haven't read the entire Bible yet. No, no, no. Because it's an admission. No, because this is just the admission. Graduation The graduation is yet to baptism come. Is admission baptism is just the Lord admission that I be the child of God. I want to learn of Him. I want, learn. I want to learn. I want to move forward. I want to know His commands. If you have faith, Matthew 28, last you're going to read Matthew chapter 28, the last four verses. You must read them. It is written like this The Lord says, Go in the entire world, go everywhere, and go and share the word of God. And, then and immediately after it says, It says, kid, do, baptism right? in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. एंड उसके बाद फिर क्या है? फिर उनको देम जो सब मैंने तुम्हें सिखाया। सिखाया हम हम उसको थोड़ा चेंज करते हैं। सब पहले सीखना चाहते हैं

जब ग्रहण करते हैं आपकी रूह का नया जन्म होता है you आप लड़ना सीखते, हैं। you learn to fight. आप फतेहमंद होते हैं you एक खास रिश्ता शुरू हो जाता है दूसरा हिस्सा जो ये है कि जब हम इसमें हिस्सा लेते हैं तो हम ये कहते हैं this, कि मैंने ऑलरेडी प्रभु को मुक्तिदाता पा लिया और मैंने पानी के बपतिस्मा भी ले लिया अब मैं प्रभु के साथ शिरकत कर रहा हूँ क्योंकि अभी him, मैं उसका बेटा बेटी बन गया अगर daughter. आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया पानी का बपतिस्मा नहीं लिया आप इस कम्युनियन से परहेज करें क्योंकि आपको जो है अभी पहले

तो हम इसके पर प्रार्थना करेंगे so ये रोटी यीशु के टूटे शरीर को याद दिलाता दिलाता है। है, है. इसमें इसमें जो ग्रेप जूस यीशु के के लहू को याद प्रार्थना बाद, हम हिस्सा लेते हैं we partake in तो it, हम ये कह रहे हैं, we're saying this, जी, that Jesus, आपके शरीर पर मैं यकीन इन यूर ब्लड आपने मेरे लिए पुराणों की आहूति दी है

एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाए एक जरिया बन जाए माध्यम बन जाए, कि इससे आपकी बरकत फ्लो करे चंगाई फ्लो करे मस्सा अभिषेक फ्लो प्रभु यीशु जी, Jesus, जब हम इस हुक्म की पालना करते हैं As we this command, हम चंगाई को कैरी हीलिंग एक नए मस्सा को कैरी यीशु के अहद में हम छुप जाएं, लहू वॉश्ड से हिज ब्लड शराब से दूर हो जाएं Let's be put away from curses that sicknesses the name of Jesus. In the name of Jesus, In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. the mighty name of In the mighty name of Jesus. In the mighty name the sides

As you open the lower layer, you'll find the juice. I to call to and we'll partake in it. सेम टाइम खुदावन हम तमाम कलीसिया जो तेरे घर पे आई है आज बड़ी आशीष के साथ वचन के साथ तेरे वायदों के साथ यहाँ से जाएं अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकरो की संगति सहभागीता रफाकत शराकत हम सब के साथ तमाम दुनिया में खुदावन की कलीसिया खुदावन के संतों और संगतों के साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे आमीन गॉड ब्लेस चर्च हैव वीक गॉड ब्लेस यू